सबसे पहले तो जय सी मेरा नाम सोमिल चौधरी है और मैं सीएलसी से एलेवंथ क्लास में जुड़ा हूं और आज के दिन मेरा जो स्कोर रहा है वो 690 नंबर का रहा है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा 690 का स्कोर रहा है इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है सी के पूरी टीचर्स को जाता है पूरे स्टाफ को जाता है बॉस को जाता है क्योंकि उनके बिना ये सिक्स का स्कोर पॉसिबल नहीं था उसके अलावा सी सी की सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ के सपोर्ट के बारे में लगती है जैसा कि हमारे बॉस कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो एज अ कस्टमर ट्रीट नहीं करते हैं उनको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं तो सबसे बढ़िया बात यहाँ की यही है कि हम लोग यहाँ पर एज अ कस्टमर नहीं हैं बट एज अ फैमिली मेम्बर सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से आज मेरा स्कोर सिक्स और हमारे टॉपर का स्कोर सेवन रहा है तो इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगा और टीचर्स को दूंगा बॉस को दूंगा मुझे हर मोड पे चाहे इलेवंथ क्लास हो या ट्वेल्थ क्लास हो कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम आई हो तो मुझे सपोर्ट मिलता रहा है चाहे मेरे नंबर कम हो या चाहे मेरे नंबर ज़्यादा हो जाए मुझे दोनों ही टाइम पे मोटिवेशन मिला है और इस मोटिवेशन की वजह से ही आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ यहाँ बैठा हूँ तो उन सब के बिना यहाँ मैं नहीं हो पाता दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर जो टेस्ट की क्वालिटी होती है मुझे बहुत अच्छी लगी उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं नीट दे रहा था तो वो जो तीन घंटे थे वो मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं कुछ कोई और ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं एक सी सी की ही कोई टेस्ट दे रहा हूँ तो ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने सी एल सी में इतने सारे टेस्ट दिए थे कि फिर नीट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि ये तो कहीं और से ही आ गया या फिर हमारा पढ़ावा नहीं है जो मेरे छः क्वेश्चन गलत हुए हैं अब वो छः क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे को आते नहीं थे या फिर आ, मेरे को पढ़ाए हुए नहीं थे नहीं ये सारे के सारे जो हम सिली मिस्टेक बोलते हैं जिसको बहुत छोटी चीज़ मानी जाती है उन्हीं की वजह से हो गए तो थैंक यू बोलना चाहूँगा दयाशी जी सबसे पहले सबको नमस्कार मैं शोमिल चौधरी का फादर शोमिल के ऊपर हमें इस चीज़ का भरोसा शुरू से ही था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और टीम सीएलसी की बदौलत और इसने जिसको क्रेडिट देना होता है उसके लिए तो इसने काफ़ी कुछ बोल ही दिया है मैं स्पेशली ये कहूँगा कि बच्चों को अपनी माँ की आंखों से अपने आप को देखना चाहिए क्योंकि जो मदर होती है वो अपने बेटे को हमेशा एक डॉक्टर के रूप में ही देखती है और उसी वे में अगर ये देखते रहेंगे तो इनके जो सपने हैं वो ईज़िली पूरे हो जाएंगे क्योंकि माँ की तपस्या मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है अदरवाइज़ तो जो पेरेंट्स दोनों हैं और जो बॉस हैं और सारी फैकल्टीज हैं उनका योगदान सबका होता है क्रेडिट में और जो फिज़िक्स वगैरह और इनसे जो जो फियर होता है एक फोबिया होता है उसके लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि एक अंग्रेज़ी में कहावत है गो टू द फियर एंड फियर विल डिसअपियर तो आप जब डर के पास जाएंगे तो मैं दो वालों को स्पेशली एड्रेस कर रहा हूँ कि जब आप डर के पास जाएंगे तो डर आपका अपने आप भाग जाएगा और मैं यही कहूँगा कि आज इस मंच पर पहुँचाने के लिए और इसके लिए सीएलसी का और यहाँ के जो गुरुजन हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू